मैडम आप तारे भी इतनी देर करते हैं, हमें और भी मेल दर्ज देने की है। और लीजिए मैम, सकती और देखा आपने नहीं। चलो मैं चलता हूँ, एक और मिल लेने की। भैया आज मेरी काम वाली भी नहीं आई है और मेरा ग्रैंडसन बहुत छोटा है, वो पढ़ नहीं सकता। कृपया आप ये चिट्ठी पढ़ देंगे मेरे लिए? पढ़ देता हूँ। किसकी चिट्ठी है भैया? अजय सिंह शेखावत। ओह मेरा बेटा है, फौज में है मेरा बेटा। माँ आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगी। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यहाँ चारों को बर्फ के पहाड़ी पहाड़ है, बड़ी सुंदर नज़ारा है। माँ ये आपको और रोहन को बहुत याद करता हूँ। आप दोनों को फोटो अपने पास ही रखता हूँ। आपसे और रोहन से मिलने की बहुत बहुत चाहत होती है। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन किया था लेकिन रिजेक्ट हो गई। आगे पढ़िए भैया। बॉर्डर पर जाम होने से इसलिए छुट्टी नहीं मिली और मैं नहीं आ सका। रोहन की माँ कविता तो कैंसर में उनको छोड़ के चली गई। आपकी और रोहन की चिंता बनी रहती है। माँ तुमसे पास ना आने का सॉरी, तुमसे बात ना करने की सॉरी, और तुमसे पास आ और सॉरी इसलिए कि जब ये लेटर तुम्हें से पहुँचेगा तो आप है ना भैया यहाँ पर। आगे पढ़िए। तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। आगे पढ़िए भैया। माँ ये मेरा आखिर खत है तुम्हारे लिए, जो मैं जंग पर जाने से पहले लिखा था और जाने से पहले अपने दोस्त को दे दिया कि मुझे कुछ हो गया तो उसको तुमको मेल कर देना। अपना और रोहन का ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ, मुझे और देने का। मैडम मुझे माफ़ कर देना कि इसी ये सॉरी आप मुझसे सुननी पड़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हैं भैया? मुझे तो गर्व है, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ। मेरे पति कारगिल युद्ध में वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए थे और अब मेरा बेटा भी देश के लिए ही शहीद हुआ है। हे ईश्वर, तूने मुझे 2-3 बेटे और क्यों नहीं दे दिए मेरे भारत माँ पे कुर्बान होने के लिए? दादी मैं भी बड़ा होके पापा और दादू की तरह फौज में जरूर भर्ती होऊंगा और दुश्मन लोग के चक्के चुरा दूंगा। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, सबकी दुआएं तुझे मिले मेरा बच्चा। हर माता पिता का, हर पत्नी का, हर सैनिक का सपना होता है। अगर देश के लिए शहीद होना पड़े तो खुशी खुशी हो जाए,
और रही बात मेरे बेटे के वादे की, वो अपना वादा निभा तो रहा है ना। वर्दी में ना सही, तिरंगे में लिपट कर शान से घर आ रहा है। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Thanks everyone, thank you very much Kanti bhai for doing this skit with me, and thank you dear Iran.